अस्सलाम वालेकुम आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त मैं जाले प्रखंड के रेवड़ा में हूँ, रेवड़ा ग्राम में। आज हमारे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चों के लिए जो कि मेला जैसा लगा हुआ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। एक्चुअली आज रेवड़ा के छोटी मस्जिद के पास आज इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस एक प्रोग्राम होने जा रहा है, एक जलसा नुमा एक प्रोग्राम जो कि पैगाम इंसानियत के लिए और आपस में मोहब्बत, आपस में लगाव की बातें, और जो कि जिस प्रोग्राम का इस्लाहे मुआशरा नाम रखा गया है, यानी कम्युनिटी के लिए आपस में मेल मिलाव रखने की बातें, और एक बड़ा प्रोग्राम जो कि इस्लाहे मुआशरा के नाम से देवढ़ा में होने जा रहा है। बिना देर किए आप लोग फटाफट लाइव में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे आपको दिखाना चाहेंगे तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है, तैयारियां मुकम्मल है। और आज की शाम इस्लाहे मुआशरा प्रोग्राम के नाम जाले प्रखंड के रेवड़ा में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही सुन पा रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लोग यहां पर आना जाना शुरू कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इस इस्लाहे मुआशरा प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक उलमाए किराम की आमद होगी, एक से एक उलमाए किराम आएंगे, और साथ ही साथ पूरा सिस्टम जो कि इस प्रोग्राम का है, देखिए इस तरह से मैं शुरुआत करता हूँ। आपको पहले पुलिस महकमा के लिए जो एक केबिन बनाया गया है, जो कि इस पर साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पुलिस महकमा यानी कि पुलिस कर्मी जो होंगे उनके लिए भी एक केबिन शुरुआती जो एरिया है वहीं पर बना दिया गया है, यानी लोग यहां से एंट्री करेंगे। और ये मुख्य सड़क है जो प्रोग्राम की ओर आपको लेकर के जाएगा। जाले प्रखंड के रेवड़ा की बातें कर रहा हूँ, रेवड़ा पंचायत में इस्लाहे मुआशरा प्रोग्राम का आज कहीं ना कहीं एक बड़ा इनेकाद किया गया है, एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया है। बोर्ड जो वेलकम द्वार जिसको बोलते हैं, मुख्य द्वार कह लें इस प्रोग्राम का, मेन दरवाजा ये कह लें, इस मेन दरवाजे पे साफ लिख दिया गया है, हम तमाम बासिंदगान रेवड़ा आने वाले पुरजोर इस्तकबाल करते हैं, यानी कि वार्म वेलकम कर रहे हैं आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है। आज रात इस प्रोग्राम में आना बिल्कुल भी नहीं बुरे, क्योंकि आज की शाम इस्लाहे मुआशरा प्रोग्राम के नाम होने जा रहा है, वो भी जाले के रेवड़ा में। फटाफट लाइव में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के इस इस्लाहे मुआशरा प्रोग्राम में एक से एक उलमाए किराम तो आएंगे ही, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के हर एक जिलों की धड़कन बनने वाले शायर, हर एक जिलों की धड़कन जनाबे दिल खैराबादी आ रहे हैं, और दिल खैराबादी साहब को सुनना कौन नहीं सामने से पसंद करता है। जब उनकी वीडियोज को आप सर्च करेंगे, जैसे ही आप DIL लिखते हैं, बस दिल खैराबादी सामने ऑप्शन में आता है। वो शायर जो आप सबके दिलों की धड़कन है, हिंदुस्तान का एक नामी शायर, हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर जनाबे दिल खैराबादी यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। तो बिना देर किए आप वीडियो में फटाफट जुड़िए और आज की इस प्रोग्राम में आने का कोशिश कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, आप सही देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। साफ ये मुख्य द्वार जो है, मेन दरवाजा जो बनाया गया है प्रोग्राम का, इस पर लिख दिया गया है कि हम तमाम बासिंदगान रेवड़ा आने वाले तमाम मेहमानों का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं, वार्म वेलकम है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। अब चल करके दिखाना चाहेंगे कि प्रोग्राम की तैयारियां किस तरह से मुकम्मल हुई है, किस तरह से प्रोग्राम की तैयारियां है, और महिलाओं के लिए यानी औरतों के लिए जो है कहीं ना कहीं विशेष केबिन बनाया गया है, वो भी पर्दे के अंदर, एक वॉल बाउंड्री वॉल के अंदर बनाया गया है, जो कि काफी बड़ी बात है। तो पूरा इंतजाम है, पूरा जो कि यहाँ पर सहूलत दिया जाएगा। आज ही इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, जो कि बासिंदगान रेवड़ा की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया गया है यहाँ पर, एक प्रोग्राम का शुरुआत, जो कि इस प्रोग्राम की शुरुआत आज रात्रि के, यानी कि आज रात ईशा की नमाज के बाद, यानी रात्रि के लगभग 8 बजे से ये प्रोग्राम 8:30 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसका शुभारंभ, यूं कह ले शुभारंभ, कहीं ना कहीं शुरुआत जो होगी इस प्रोग्राम की, वो तिलावत कलामुल्लाह से, तिलावत कुरान से होगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस इस्लामिक प्रोग्राम में, इस इस्लाहे मुआशरा प्रोग्राम में आने का कोशिश करें, क्योंकि ये एक पैगाम इंसानियत के लिए, ये पैगाम भाईचारा का पैगाम है, ये पैगाम आपसी मोहब्बत, आपसी लगाव का पैगाम है, ये पैगाम मुल्क में बने शांति रहने का पैगाम है, ये पैगाम यहाँ से जो पैगाम आज देने की तैयारियां हैं, इस्लाहे मुआशरा के नाम से जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये जलसा किया जा रहा है, इस प्रोग्राम का मेन मकसद है आपस में मोहब्बत, आपस में लगाव, और देश में, मुल्क में शांति और अमन के लिए एक
प्रोग्राम किया जा रहा है, एक मैसेज फैलाया जा रहा है। और आपको पीछे जो एक पंडाल दिखाई दे रहा है, इस पर्दे के पीछे बाउंड्री वॉल के अंदर लेडीज के लिए यानी औरतों के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। वहां से औरतें LCD के माध्यम से, TV के माध्यम से जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी उलमाए किराम की तकरीरें होंगी, शोरा किराम जो होंगे उनकी जो नातखानी होगी और जो आसार पढ़ेंगे वो सब देख पाएंगे। यानी प्रोग्राम को महिलाएं अंदर से, औरतें अंदर से देखेंगी, इस पर्दे के अंदर जो मुख्य सड़क से यानी कि मर्दों की भीड़ से औरतों के एरिया को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अंदर कर दिया गया। ये काफी बेहतर इंतजाम किया गया कमेटी के द्वारा, बासिंदगान रेवढ़ा यानी रेवढ़ा पंचायत के लोगों के द्वारा एक बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया है। बिना देर के आप लोग आएंगे, फटाफट वीडियो को शेयर करें। अब बहुत करीब आ चुके हैं, मैं इस वक्त बहुत करीब हूँ उस जगह के, जिस जगह पे आज हिंदुस्तान के बड़े अजीम शोराए किराम की फहरिस्त में सबसे ऊपर आने वाले जनाब दिल खैराबादी आ रहे हैं। कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब भी आ रहे हैं। मैं लिस्ट बताना चाहूंगा, लोगों से बातें करके जानना चाहूंगा। ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, इसके अंदर महिलाओं के लिए यानी औरतों के लिए प्रोग्राम देखने का इंतजाम किया गया है। इसके अंदर औरतें रहेंगी और इसके बाद जो मेन पंडाल है, जो मेन स्टेज होगा, जो मेन मंच होगा, वो ये आपके सामने है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, फटाफट बिना देर किए इस लाहे मुआसरा प्रोग्राम में आने का प्रयास करें। और ये देखिए सारे इंतजाम, लगभग तैयारियां मुकम्मल है, तैयारियां हो चुकी है, तैयारियां मुकम्मल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत से आपको दिखाते हुए लाया हूँ और अब ये मंच तक मैं पहुंच चुका हूँ, ये सब कुछ रेडी हो चुका है। और लाइटिंग का भी काफी बेहतर इंतजाम है, हर पोल पे, हर जगह पे लाइटिंग के लिए इंतजाम किया गया, यानी कि रात्रि के समय, रात के वक्त जो है आपको दिक्कतें नहीं होंगी, लाइटिंग का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। और साथ ही साथ पंडाल के अंदर भी काफी शानदार तरीके से इंतजाम किया गया है, जो कि आप साफ देख पा रहे हैं, आप साफ देख पा रहे हैं। ये पंडाल के अंदर कुर्सियां जो कि कितने सारी भरी पड़ी हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि आज कुर्सियां कम पड़ने वाली है अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ एक से एक उलमाए किराम आ रहे हैं, एक से एक मौलाना जो यहाँ आएंगे, उनकी तकरीरों से आप सब इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर के उनके पैगाम को, देश के लिए जो अमन और शांति की दुआएं होंगी उसको सुनने के लिए आप लोग आएंगे, उसमें जुड़ेंगे। एक अच्छा प्रोग्राम है, एक अच्छा संदेश है, तो क्यों ना आप लोग जुड़े। साथ ही साथ सोरा की फहरिस्त में जनाब दिल खैराबादी का नाम जो कि यहाँ है, और वो कुछ देर के बाद जाले प्रखंड के इस रेवढ़ा की धरती पर, इस रेवढ़ा की सरजमीन पर तशरीफ लाने वाले हैं, आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, पधारने वाले हैं। तो ये काफी बड़ी बात है इस क्षेत्र के लिए, और इतना बड़ा प्रोग्राम और इतने बड़े शायर, बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों का टाइम लेना, वक्त लेना, उनका शेड्यूल मेंटेन होता है, कहीं ना कहीं उनके शेड्यूल्स काफी बिजी होते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका वक्त मिल पाता है। और रेवढ़ा वासियों के लिए काफी खुशी की बात है, इस क्षेत्र वासियों के लिए काफी खुशी की बात है कि उनको जनाब दिल खैराबादी और ऐसे ऐसे बहुत सारे अजीम शख्सियतों का वक्त मिला है इस प्रोग्राम के लिए। ये काफी बड़ा एक मैसेज है, काफी बड़े प्रोग्राम की तैयारियां जो कि मैं आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा था। अब लेता हूँ आप सबसे विदा, मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, जय हिंद। तो आज के इस्लाहे मुआसरा प्रोग्राम में जो शुरू से लेकर यहाँ तक आपको मैं टेंट दिखा रहा हूँ, जो तैयारियाँ दिखा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इनका टेंट है, इनका नाम जानना चाहेंगे और कब से यहाँ पर काम चल रहा है, कब से तैयारियाँ चल रही है और आज अब भी पूरी तरह से काम मुकम्मल नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राजू राय। राजू, नीतू लाइट टेंट हाउस। अच्छा, नीतू लाइट टेंट हाउस है इनका। ये प्रोग्राम की जो तैयारियां हैं वो कितने दिनों से हो रही है? लमसम 14 से 15 दिन। आज जाकर के फाइनल हुआ जी, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे सबको, ज्यादा से ज्यादा लोग आवे, ज्यादा से ज्यादा मेरे यहाँ दर्शकों को आना चाहिए, कहीं ना कहीं अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। बाबू आज रहोगे प्रोग्राम में? जी। सुनो सुनो, दिल खैराबादी को जानते हो? जी। आप जानते हैं? जी जी, कैसा नाच पढ़ते हो? बहुत अच्छा शायर है। और आपके गांव आ रहे हैं आज? जी, सामने से देखने को मौका मिलेगा जी, बहुत मजमा जमना होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आज आपके गांव में दिल खराबादी आ रहे हैं तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना है कि शादी ऐसा के बाद है, ऐसा के बाद है, ज्यादा से ज्यादा के बाद है अपन सब। चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए आप, क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप आएंगे तभी ज्यादा से ज्यादा भीड़ लग पाएगी।